सुनिए सुनिए, कपिल वस्तु के सभी प्रजाजनों के हित में महाराज सुद्धोधन ने एक ऐसा निर्णय लिया है जो कभी किसी राजा ने अपनी प्रजा के हित में नहीं लिया। सुनिए सुनिए सुनिए। बात तो भाई महाराज के स्वार्थ की है, किंतु दिखावा परमार्थ का। और ये प्रजा है कि उनको और कुमार सिद्धार्थ को आशीर्वाद दे रही है। नई नगरी, सचमुच ऐसा परमार्थी राजा ना हमने कभी देखा न सुना। कुमार सिद्धार्थ चुक चुक चे, ये तो अनर्थ है। प्रजा की आंखों में धूल झोंकने की बात आ रही है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिसे महाराज का मुखौटा उतर जाए, प्रजा को सच्चाई का पता चले। महाराज सुद्धोधन अपमानित और कुमार सिद्धार्थ को भी प्रजा अभिशाप माने। किंतु ये कार्य करेगा कौन? कामों का नई नगरी का लाभ लेने के लिए सभी गरीब वृद्ध और रोगियों को 2 दिन में कपिल वस्तु छोड़कर वहां जाना होगा। यह फैसला जनहित में है, इसलिए महाराज आप सभी से सहयोग चाहते हैं जिससे बल का उपयोग ना करना पड़े। ऐसे कैसे बोल रहे हैं ये लोग? हाँ, ऐसे कैसे कर सकते हैं राजा, बताओ तो। के पीछे कितना स्वार्थ छिपा है ये तो अंदर की बात है। एक बार यहाँ से निकले ना तो मानो पहुँच गए शमशान घाट। अरे उसके बाद तो वापस आने का नाम भी नहीं ले पाओगे तुम लोग। ये सब किसके कारण? कुमार सिद्धार्थ के कारण। कहते हैं उन्हें दुख नहीं दिखना चाहिए वरना कुमार सन्यासी हो जाएंगे। इससे तो अच्छा होता कि कुमार पैदा ही ना होते। महल में दिए जले इसलिए हमारे घर में अंधेरा। अरे कहते हैं बड़ा भाग्यशाली है, जन्म लेते ही माँ को खा गया और अब बड़ा हुआ तो ये कपल वस्तु खाली करवा रहा है। ये कैसा भाग्यशाली है? हाँ महाराज को रोकिए महादेवी प्रजापति। पुत्र प्रेम में पिता अंधा हो सकता है ये तो सुना था, पर इतना क्रूर इतना कठोर भी हो सकता है ये पहली बात है। क्या हुआ मंगला दीदी? महाराज कपिल वस्तु से सारे दुखी निर्धन वृद्ध रोगियों को राज निकाला दे रहे हैं। क्यों? युवराज सिद्धार्थ के लिए, जिससे वो दुख ना देखे, उनमें करुणा ना उपजे और वो कभी सन्यासी ना बने। महादेवी माया होती ना तो ऐसा कभी नहीं होने देती। महाराज को रोकी, कहीं प्रजाजनों में असंतोष फैल गया ना तो अनर्थ हो जाएगा। बहुत ठेस पहुंची है देव, यदि महादेवी माया जीवित होती तो क्या आप उनसे भी यह बात छुपाते? कौन सी बात? यह कैसा न्याय है देव कि मुनिवर असित ने भविष्यवाणी की और आपने पूरे कपिल वस्तु को बेघर कर दिया। अच्छे भविष्य के लिए वर्तमान को दंड भुगतना ही पड़ता है देवी। किसका भविष्य? कुमार सिद्धार्थ का। तो उसके लिए प्रजा क्यों दंड भुगते? अभी भी समय है देव, अपना आदेश वापस ले लीजिए अन्यथा प्रजा का रोष हमें जीने नहीं देगा।
क्या मिलेगा आपको यह करके? कपिल वस्तु को भावी सम्राट जो संपूर्ण भारत वर्ष पर राज करेगा। प्रजा को दुखी करके कभी कोई राजा खुश नहीं रह सकता देव। किस किस से दूर रखेंगे आप कुमार को? प्रकृति के भेद छुपाए नहीं छुपते। आप उनसे मनुष्य का दुख छुपाएंगे, मृत्यु छुपाएंगे, किंतु वृक्ष से गिरते पीले पत्ते कैसे छुपाएंगे? मुरझाते फूल कैसे छुपाएंगे देव? देवी तुम्हारी भावनाएं मुझे दुर्बल कर रही हैं। और पुत्र प्रेम आपको निष्ठुर, कहीं ऐसा ना हो कि कुमार बड़े हो और इस कांड का उल्लेख निकले तो उनका सर शर्म से झुक जाए। प्रजापति, ये मत भूलो कि मैं उसका जन्मदाता हूँ। मेरा अधिकार तुमसे बढ़कर है। मैं उसके लिए जो कुछ भी करा उसके हित में करा। ना वो दुख देखेगा ना मृत्यु जिससे वैराग्य उत्पन्न होता है। आज के बाद कपिल वस्तु में कोई शमशान घाट नहीं होगा, कहीं धुआं नहीं उठेगा। अब इस नगरी में कोई वृद्ध नहीं, कोई रोगी नहीं, कोई दुखी नहीं है देव। कौन दुखी है? कुमार सिद्धार्थ। उनके आंसू नींद में भी रुकने का नाम नहीं ले रहे। वह सुशेन को तत्काल बुलाया जाए। जी भाई महाराज। दुख केवल तन में या आसपास नहीं होता, मन का भी होता। मन के दुख का क्या करेंगे देव? क्षत्रिय के मन में केवल स्वाभिमान रहता है, दुख नहीं।
कुमार ने अवश्य कोई डरावना सपना देखा, इसी कारण नींद में आंसू बहे होंगे और बुखार का कारण भी यही होगा। मैं औषध भिजवा देता हूँ। भिजवाइए नहीं अंगारी, आज के पश्चात आप परिवार समेत यही राजमहल में रहेंगे। आपका केवल एक ही कर्तव्य होगा कि राजमहल में कोई भी रोगी ना, मानसिक रूप से शारीरिक रूप से, युवराज को कुछ नहीं होना चाहिए। डर में बीत गए दिन कितने, सन्नाटे में राते, साम दाम दंड भेद के डंडे करते रहे बस बाते, आंखों में आंसू है भरे, होठों पे लिए मुस्कान, समय बीतता चला गया पर कर गया जग वीरान, कर गया जग वीरान। सिद्धार्थ मन मनुष्य मन नहीं रहता है।